अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे जी। तो जनाब टीम है वाइफ ऑफिशियल एक बार फिर हाजिर एक नए व्लॉग के साथ, और आज मेरे साथ मौजूद हैं हारिज रशीद, और इनको आपने पहले चैनल पे देख चुके हैं जी। फ्रेंड्स, मैं पहले भी असद भाई के साथ व्लॉग में आ चुका हूँ, लेकिन ऐसा है कि पिछले कुछ दिनों में इतनी मसरूफियत थी कि ना असद भाई के पास टाइम था और ना ही मेरे पास टाइम था कि इनके साथ मुलाकात कर सकता। तो क्योंकि अब वीकेंड भी था और वीकेंड की मौके की मुनासिबत से मैंने टाइम निकाल के असद भाई को फोर्स किया कि चलते हैं, और आज कुछ आउटिंग भी होनी चाहिए और चल के देखते हैं कि हमें हमारी मंजिल कहाँ तक लेके जाती है। जी बिल्कुल, इसीलिए फिर आज हमने सडन प्लान किया। अभी हमें कोई आइडिया नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, बस गाड़ी ली और इस्लामाबाद की तरफ रुक कर दिया। अब देखते हैं हमारी मंजिल हमें कहाँ लेके जाती है, कहाँ हम स्टॉप करते हैं, यहाँ रुकेंगे तो फिर। हाँ जी, तो जैसा कि आपको पता लग गया होगा कि हम कहाँ पहुँच गए जी, बिल्कुल हम पहुँच चुके हैं मोनाल डाउनटाउन जो सेंटरस मॉल में। तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग जा चुके हैं, तो हमें रास्ते में रश था उसके। जी फ्रेंड, जैसे कि आपको पता लग ही गया होगा कि हम पहुंच गए हैं इस टाइम मोनाल डाउनटाउन में, और क्योंकि कोरोना की एसओपी को फॉलो करते हुए इन्होंने अंदर डाइन इन नहीं किया और लॉबी में बाहर सीटिंग अरेंजमेंट रखा है, तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी अट्रैक्टिव और अच्छा माहौल है, जो काफ़ी अट्रैक्टिव है हमारे लिए। और चलते हैं, अभी ट्राई करते हैं, देखते हैं कि इनका कॉन्टिनेंटल कैसा होता है और इनका पाकिस्तानी फ्लेट कैसा होता है। Few moments later.
फ्रेंड ये था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो जाने से पहले आपको कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।